आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। Hi friends, इस क्वेश्चन में पूछा है, है, है? तो law का जो एक्सप्रेशन उसे हम कर लेते हैं। ठीक है? पहले हम लेते है, P, मतलब वेपर प्रेशर, ऑफ सोल्यूशन जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कैपिटल पी मानते हैं विल बी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू ठीक है पी वन क्या है वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी टू क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई करें राउल्स लॉ क्या है राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन एक्स के साथ तो जब हम कांस्टेंट हटाएंगे तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा वो होता है पी नॉट इन एक्स पी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट मतलब जब वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं है वो अपने सिर्फ प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उससे हम कहते हैं पी नॉट तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी नॉट वन एक्स वन प्लस पी नॉट टू एक्स टू ठीक है अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन अगर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हुए तो उनके सम क्या होता है वन तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू वन होगा तो एक्स वन क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू राइट इक्वल्स टू आएगा फिर पी वन नॉट इंटू वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू नॉट इंटू एक्स टू ठीक है ये इक्वल्स टू क्या आएगा पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट एक्स टू प्लस पी टू नॉट एक्स टू ठीक है तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी वन नॉट प्लस एक्स टू इंटू पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट ठीक है नाउ नाउ कंसीडरिंग नाउ कंसीडरिंग अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या होता है जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता मतलब जो सल्यूट खुद वेपर स्टेट में नहीं जाता या फिर बहुत कम अमाउंट में जाता है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा P1 वन नॉट मतलब सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर से बहुत ही ज्यादा कम होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि P2 टू नॉट माइनस पी वन नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस पी वन नॉट राइट तो अगर, अगर हम इसको पुट करें तो क्या आएगा P इक्वल्स टू P1 वन नॉट माइनस पी नॉट तो यहां से हम लिख सकते हैं P1 वन नॉट एक्स टू इक्वल्स टू पी नॉट माइनस मतलब P1 वन नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल्स ठीक है If, हम क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए अगर ऑप्शन को ऑप्शन अगर हम टर्म्स को चेंज करें तो इफ लेट पी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी एस इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन स्मॉल एन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट और कैपिटल एन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे पीअर नॉट हो जाएगा हमारा प्यर नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्यर नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो हमने ले लिया है स्मॉल पी तो स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी डिवाइडेड बाय स्मॉल पी इक्वल्स एक्स टू एक्स टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट तो अगर इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के टर्म्स में हम तोड़े तो क्या आएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ठीक है तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर राउल्ड लॉ का एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा हमारा तो जा आंसर तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन वन ठीक है क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर